हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, कक्षा 10वीं के दोस्तों हिंदी का आदिवासी परीक्षा 2021 का दोस्तों वो सॉफ्टवेयर रियल पेपर है। दोस्तों, मुझे अभी रियल पेपर मिला है, तो मैंने दोस्तों सोचा कि मैं डाल दूँ, तो मैंने दोस्तों डाल दिया। तो दोस्तों, आपको इसके लिए दोस्तों को वीडियो पूरा देखना है। अगर दोस्तों वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो दोस्तों आप ही दोस्तों पछताएंगे। और दोस्तों, हम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं लाइक कर लेना। दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी और सब्जेक्ट की परीक्षा अभी आगे होने वाली है, तो मैं आपको और सब्जेक्ट की रियल पेपर आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों, वो आपका हिंदी का रियल पेपर है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। और दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखते हैं तो दोस्तों आपके फुल में फुल नंबर आएंगे। दोस्तों, वो आपके नंबर 80 में 80 आएंगे, आपको वीडियो पूरा देखना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सूरसागर का सबसे चर्चित प्रसंग है, दूसरा परम्परा बना अद्भुत पाठक के लेखक है, फिर तीसरा नर्मदा का उद्गम स्थल है, चौथा देव की पुत्र में समास है, पाँचवा अद्भुत रस का स्थायी भाव है। ये दोस्तों आपके सही विकल्प हैं। दोस्तों, वो रियल पेपर है, मैंने दोस्तों अभी अभी बड़ी मुश्किल से मुझे अभी मिला है, तो मैंने दोस्तों डाल दिया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि दूसरा स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों, आप देखिए, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप दोस्तों देखते हैं पाँच पाँच रिक्त स्थान दोस्तों 5 नंबर के हैं। तो दोस्तों, आपको इसी को घलते जाना है। फिर दोस्तों, आपके यहाँ पर प्रश्न एक वाक्य में उत्तर देना है, तो ये दोस्तों 5 5 नंबर के हैं, तो आपको इसी को घलते जाना है। फिर दोस्तों, आपके यहाँ सही जोड़ियाँ आती हैं, जैसे बिना पत्रिका गेहूँ और गुलाब, लोक संस्कृति की इसमत रेखा, नर्मदा, करुणरस, बकरोक्ति, तो ये आपके यहाँ पर सही जोड़ियाँ हैं। फिर आपके यहाँ प्रश्न 5 में था, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को सिर क्यों माना है, अथवा है बालक राम की कौन सी क्रियाओं से माता प्रसन्न होती हैं। फिर आपका 6वां आता है, तो दोस्तों 6वां भी आप अच्छी तरह देख लीजिए। आपको स्क्रीन शॉट घर लेना है, आप स्क्रीन शॉट घर ले जाइए। वो आपका दोस्तों रियल पेपर, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखते हैं तो समझ लो दोस्तों आपके नंबर तो अच्छे आएंगे। दोस्तों, को जैसे ही दोस्तों आप पेपर पेपर देने जाएंगे आप हिंदी का, तो दोस्तों आप देखेंगे कि दोस्तों को वही पेपर धरा मिलेगा आपको। वो दोस्तों आपको यही पेपर धरा धरा मिलेगा पेपर में, तो दोस्तों आपको खुश हो जाएंगे। तो वीडियो का पूरा देखना है। यहाँ पर 8वां है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां है। तो दोस्तों, आप हमारी स्क्रीन पर घलते जाइए। दोस्तों, को आपके यहाँ पर सरल प्रश्न है। दोस्तों, आपको सोल्यूशन अगले वीडियो मिलेगा। सोल्यूशन दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। दोस्तों, आपको जिस जिस सब्जेक्ट की पेपर चाहिए तो कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों, और लाइक करना है, लाइक वो जरूर करें दोस्तों। लाइक मेरे लिए बगमत तो सब्सक्राइब भी दोस्तों, और वीडियो पूरा देखना है। फिर आपके यहाँ पर 14वां आता है, 15वां आता है, 16वां। आपके अच्छे यहाँ पर दोस्तों हर प्रश्न के अथवा में भी एक प्रश्न दिया गया है, जो दोस्तों आपसे बनता है आपको वो करना है। आपको सोल्यूशन अगले वीडियो मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं महाकवि सूर्यदास गोस्वामी तुलसी की कविता विशेषता, लेकिन निम्नलिखित दो रचना है, भावपक्ष के लापा साहित्य में स्थान, सत्यमाता हजार द्विवेदी अथवा राम रस बेनी करेंगे लाल मिश्र में साहित्य पर निम्नलिखित किताबें लिखी, दो रचना भाषा शैली। ये आपके 16वां 17वां प्रश्न है। दोस्तों, आप दोनों में से किसी भी कर सकते हैं, जो अथवा में दिया गया है। फिर दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 18वां आता है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित लिखिए। दोस्तों, आपके यहाँ पर व्याख्या करना संदर्भ प्रसंग सहित, दोस्तों आपको कवि के नाम भी लिखना है दोस्तों इसमें। फिर आपका 19वां आता है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखी। दोस्तों, अथवा में भी दिया गया, आप कोई भी कर सकते हैं। आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। दोस्तों, ये आपके 4 नंबर के हैं। दोस्तों, आप ये आपके 4 4 नंबर के प्रश्न हो रहे हैं। 20वां आता है, निम्नलिखित आपके गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना हो, और 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन 3ों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना हो और गद्यांश में छांट लेना है। 21वां आता है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, अथवा था कोरोना संक्रमण का सामना कर रहे अपने मित्र को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होने की सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। फिर 22वां था दोस्तों, आपको किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है, फिर आपको रूपरेखा लिखना है। इस तरह से दोस्तों आपका कक्षा 10वीं का हिंदी का पूरा पेपर होता हुआ। दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि दोस्तों आपकी और सब्जेक्ट परीक्षाएँ अभी आगे होने वाली हैं, तो मैं आपको और सब्जेक्ट परीक्षाएँ अभी यहाँ पर पेपर आपको अपलोड करूँगा, वो दोस्तों रियल पेपर अपलोड करूँगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ये भी दोस्तों आपका रियल पेपर है, तो